नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग बात करेंगे 19 अक्टूबर 2018 की जो भी इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक लालू लीला, कौन जो है इनके ऑथर हैं। तो राइट आंसर इज सुशील मोदी। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करना, नहीं तो कोई भी आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस की नहीं मिलेगी। और अच्छे लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखो, विच फ्रूट ऑफ मुजफ्फरनगर बिहार जो हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सा फ्रूट है वो? तो वो है शाही लीची। वेयर 12th एडिशन ऑफ द एशिया यूरोप समिट विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 18, कहाँ पे ये होगा? तो ये ब्रजल्स, काठमांडू या लंदन, तो ये होगा आपका ब्रजल्स में। और इस बार का थीम जो है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस, हमेशा ये थीम्स जरूर याद कर लेना। कहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ATM रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी जहाँ से आप डील कर सकते हो, पहला ATM है, तो ये बेंगलुरु में ओपन हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, कौन है ये इसका ऑथर? बहुत बहुत वाइटल है देखो ये कुछ क्वेश्चन आज के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रीमा हुजा। विच इंडियन हैज़ ओन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी ऑफ द यंग ओलंपिक गेम्स 2018 में, किसने जीता है सिल्वर मेडल? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आकाश मलिक। विच इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अवार्ड 2018, किसको मिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अवार्ड? तो राइट आंसर है सुहेल टंडन। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI अरुंधति भट्टाचार्य अपॉइंट किए गए हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कौन से कंपनी के? तो ये अपॉइंट हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए। रिसेंटली 27 व्यास सम्मान ऑफ लिटरेचर ममता कालिया को दिया गया, कौन से नोवेल के लिए? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुकम धुकम, ठीक है, बी। रिसेंटली इन द सर्वे रिपोर्ट में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आया है, कुलगढ़ विलेज को जो है मोस्ट डेवलप्ड विलेज माना गया है, ये कौन से स्टेट में आता है? तो ये जो है आपका कर्नाटका में आता है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन रेस्पेक्ट टू हैंड इन हैंड रिसेंटली, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडो चाइना आर्मी के, या ये प्रैक्टिस जो है कैंसिल हो गया था लास्ट ईयर डोकलम कॉन्ट्रोवर्सी के लिए, और दिस प्रैक्टिस जो होगा इस बार दिसंबर में होगा? तो सभी करेक्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड हु हैज़ डाइड रिसेंटली, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम जो है दैट इज़ BND तिवारी, ठीक है। हु नेम फॉर हिदायनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, किसको मिला है? तो इसको ये मिला है मोहम्मद जहूर ख्याम हाशमी, और जिसके पॉपुलर नाम जो है उनका खयाम है। और हु डिस्प्लेस एसेंचर एज लार्जेस्ट IT फॉर्म सर्विंग बैंक, किसने डिस्प्लेस कर दिया है एसेंचर को? तो राइट आंसर इज TCS ने डिस्प्लेस कर दिया है। और आज का क्विज देख लीजिए, ज़रूर मुझे आंसर कर दीजिएगा, कौन से कंट्री जो है जीता है सुल्तान जोहर कप 2018 जो अभी जूनियर मेंस हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, किसने ये जीता है? आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ।